ये देखिए ये मोमोज के ऊपर की स्किन कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके अंदर की स्टफिंग तो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसे ऐसे टमाटर की तीखी चटनी के साथ खाएंगे तो आपके मुंह में तो स्वाद का धमाका होगी। तो फ्रेंड्स, मामानीस किचन पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी चिकन मोमोज, उसके साथ में बनाऊंगी टमाटर की तीखी वाली चटनी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन का स्टफ तैयार करना है, इसलिए चिकन को पहले पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर ले लिया है, इसके अंदर चिकन को डाल देंगे। यहाँ पर मैं 300 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके पहले सर्व करके रख दिए थे। इसके साथ साथ ही हमें डालना है एक मीडियम साइज की लहसुन की कलियाँ और 2 इंच के करीब अदरक टुकड़ों में कटी हुई। ये चिकन को हमें 2 स्टेप में पेस्ट बनाना है, तभी ये इस तरीके से अच्छे से पेस्ट हो पाएगी। और ये देखिए, बाकी चिकन को भी मैं पेस्ट बना लिया है, इसे भी मैं बाउल के अंदर डाल देती हूँ। अब हम डालेंगे 4 मीडियम साइज की प्याज चॉप की हुई। इसके साथ साथ ही मैं थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता भी डाल देती हूँ। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, इसकी वजह से सारा तीखा बनाएगी। मैं इसके अंदर और हरी मिर्च ऐड नहीं करूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून विनेगर डाल देते हैं, इसकी वजह से चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, इसकी वजह से चिकन ड्राई नहीं बनेगी, बहुत ही ज्यादा यम्मी लगेगी खाने में और गले में भी नहीं चिपकेंगे। अब हमें इन सारी चीज़ों को हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। चिकन के साथ में सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये जो मसाला मैंने डाला है, इसकी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/3 टेस्ट स्पून के करीब शुगर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शुगर डालेंगे तो इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए इसे फिर से और एक बार अच्छे से मिला देते हैं। ये जो स्टफिंग मैंने बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होने वाली है, लेकिन ये स्टफिंग अभी भी रेडी नहीं हुई है क्योंकि इसे हमें 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो इसे मैं कवर करके साइड में रख देती हूँ और चलिए तब तक मोमोज की डो को तैयार कर लेते हैं। मोमोज की डो को तैयार करने के लिए ये परत के अंदर मैं 2 कप मैदा डाल रही हूँ और इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, मैं यहाँ पर 1/3 टीस्पून के करीब नमक डाला है। अब हमें इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिला देना है। अब हमें ये मैदा को गूंदना है और मैदा को गूंदने के लिए यहाँ पर मैं 1 कप गर्म पानी ली है। गर्म पानी से मोमोज की डो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और आपकी मोमो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो ये गर्म पानी आपके हाथों में लग सकती है। थोड़ा सा सावधानी से इसे गूंदिएगा, जैसे नॉर्मल पराठा या फिर रोटी होती है, ठीक उसी तरह हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। ये देखिए, मैदा को मैं इकट्ठा कर लिया है, इसके अंदर हमें और पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 कप गर्म पानी ली थी, इससे थोड़ा सा पानी बच गई है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और ये डो को अब हमें अच्छे से गूंद के एकदम ही एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। तो चलिए इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। मैदा को मैं अच्छे से गूंद के एक डो बना लिया है। अब हमें ये डो को इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर लेना है ताकि ये डो के अंदर की जो मॉइस्चर है ये अंदर ही बना रहे, ऊपर से डो ना सूखे। फिर हमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल को डो की चारों तरफ से अच्छे से लगा देना है। और अब हमें एक गीला कपड़ा लेना है और ये डो को इस तरीके से रख के चारों तरफ से कपड़ा से कवर कर देना है ताकि डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहे। और इसके ऊपर एक प्लेट से ढक देते हैं और इसे हमें 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 मिनट हो गई है, तो इसकी कवर को मैं हटा देती हूँ और ये गीला कपड़ा को भी हटा देंगे। यहाँ पर देखिए डो पहले से कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन गई है, तो इसे मैं और 3 से 4 मिनट तक और थोड़ा सा गूंद लेती हूँ। डो को फिर से गूंदने के बाद अब हम इससे लुइया तोड़ लेंगे। जैसे पूरी के लिए लुइया तोड़ते हैं, ठीक उसी तरह हमें लुइया तोड़ लेना है। अब हम एक एक लुइया को ऐसे दोनों हाथों के बीच में रख के इसे घुमा के अच्छे से चिकना बना लेंगे और फिर से ये गीला कपड़ा को इसके ऊपर रख देना है ताकि एक भी डो ऊपर से ना सूखे। तो इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर देखिए, हमारा स्टफिंग भी रेडी हो गई है, तो इसे मैं और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमें लुइया को बेलना है और इसे बेलने के लिए हमें सूखी मैदा का ज़रूरत है, हमें ऑयल लगाना नहीं है, जैसे रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरह। और पूरी के साइज़ में हमें ये रोटी बनाना है, इसे हमें एकदम ही पतला करके बेलना है। ज़्यादातर क्या होती है, ये रोटी बेलने के समय हम बीच में ज़्यादा पतला कर देते हैं और साइड से जो किनारा है इसकी तरफ हमें ध्यान ही नहीं रहती है, ये मोटी ही रहती है। तो हम जब मोमो तैयार करते हैं, ये किनारों को हमें इकट्ठा करके ज्वाइन करना पड़ता है और वो ज्वाइंट और भी ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो हम जब वो मोमो को स्टीम पर रखते हैं तो बीच में तो मोमो अच्छे से पक जाती है, लेकिन ज्वाइंट वाला हिस्सा कच्ची रहती है, इसलिए मोमो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अब जब भी ये रोटी बेले, आप बीस के साथ साथ साइड से भी अच्छे से पतली करके बेले, तभी आपकी मोमो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। एक रोटी को मैं अच्छे से बेल लिया है एकदम पतला करके। अब हमें इसके बीचों बीच स्टफिंग रखना है,
तो हमें 2 टेबल स्पून भर के स्टफिंग इसके बीचों बीच में रख दिया है और इसके किनारों पे हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है हल्का सा, ताकि इसे हम जब ज्वाइन करें ये ज्वाइन अच्छे से बना रहे, ना खुल जाए। और ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे ज्वाइन कर रही हूँ। एक एक करके इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके साथ चिपका देंगे। एक साइड हमें ऐसे फोल्ड करते जाना है और एक साइड हमें प्लेन ही रखना है। फिर हम क्या करेंगे, ये ज्वाइंट वाला हिस्सा को हम प्लेन साइड से अच्छे से चिपक देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पहला डिज़ाइन बन गई है। इस तरीके से मैं आपको 3 तरीके से मोमो बनाकर दिखाती हूँ। फिर से मैंने और एक रोटी बना लिया है और इसके बीचों बीच हमें फिर से स्टफिंग रख देना है और चारों तरफ से थोड़ा सा पानी लगा देना है पहले की तरह। और अब मैं दूसरा डिज़ाइन बनाती हूँ। ये देखिए, इसे भी पहले की तरह फोल्ड करना है, लेकिन इसे हमें चारों तरफ से फोल्ड करना है। मैं पहले एक तरफ फोल्ड किया था, आप ध्यान से देखिएगा, इसे मैं चारों तरफ से फोल्ड करके एक पुटली की तरह बना दिया है। अब हमें ये पुटली की मुंह को एक साथ अच्छे से चिपक के ज्वाइन कर देना है और इसे ऐसे इकट्ठा करके हमें अच्छे से चिपक के मोड़ के अंदर की तरफ भर देना है। यहाँ पर मैं दूसरा डिज़ाइन भी बना लिया है और अब हम बनाएंगे तीसरा डिज़ाइन, यानी कि लास्ट डिज़ाइन। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। तो इसके चारों तरफ मैंने पानी लगा दिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, लेकिन पहले की तरह नहीं। ये देखिए, इस तरीके से हमें दोनों मुंह को इकट्ठा करके चिपक देना है, फिर इसे नीचे की तरफ भर देना है और फिर से हमें दोनों मुंह को उठा के इसके साथ चिपक देंगे। ऐसे हमें करते जाना है। और ये देखिए, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसे हमें उंगली से दबाते हुए ऐसे थोड़ा सा लंबा कर देना है, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, हमारा तीनों डिज़ाइन बन के रेडी है। तो ठीक इसी तरह मैं सारा मोमोज को बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ मोमोज को स्टीम करने के लिए एकदम रेडी कर लिया है और इसे स्टीम करते करते मैं दूसरी बैच को रेडी कर लूंगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मोमोज को स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैं गैस को ऑन करके भगोने के अंदर 1 लीटर के करीब पानी ली है और इसके ऊपर जो छेद वाला प्लेट होती है मैंने वो रख दिया है। इसके ऊपर ही मैं मोमोज को स्टीम करूंगी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि मोमोज इसमें ना चिपके। आपके पास इस तरह का छेद वाला प्लेट नहीं है कोई भी भगोना है तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास मोमो मेकर है वो तो और भी अच्छी बात है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और ये पानी के अंदर उबाल आने तक हमें इसे ढक के छोड़ देना है। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आ जाएगी तब हमें इसके अंदर टमाटर डालना है, क्योंकि हमें मोमो के साथ सर्व करने के लिए टमाटर की तीखी चटनी बनाना है। तो 4 टमाटर को मैं थोड़ा सा कट लगा करके डाल दिया है और 2 सूखी हुई लाल मिर्च, और इसके ऊपर मैंने प्लेट रख के इसके ऊपर हल्के से मोमो को रख दिया है। आपके प्लेट में जितना आए आप उतना ही रखें, ज़्यादा मत रखें, क्योंकि मोमो पक जाने के बाद थोड़ा सा फूल जाती है। अब हमें इसे कवर करके गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर करके 20 से 25 मिनट तक इसे स्टीम करना है। तो चलिए मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। पूरा 25 मिनट के बाद मैं इसकी कवर को हटाती हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोमो कितने अच्छे से स्टीम हुई है, एकदम अंदर तक पक गई है। तो इसे मैं हल्के से निकल लेती हूँ। फ्रेंड, आप इस टाइम पे इसे सावधानी से निकालिएगा, क्योंकि ये जितना गर्म है उतना ही सॉफ्ट है। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डालेंगे तो ये मोमोज टूट सकती है। तो अब मैं ये छन्नी को साइड में रख देती हूँ। ये देखिए, हमारा टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसे भी मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ और ये सूखी हुई लाल मिर्च को भी निकाल लेंगे। और अब हमें पहले की तरह मोमोज की दूसरी बैच को भी स्टीम कर लेना है। तो ये बैच जब तक स्टीम हो रही है, चलिए तब तक टमाटर की तीखी चटनी को भी रेडी कर लेते हैं। अब हमें ये टमाटर और सूखी हुई लाल मिर्च को ग्रेट कर लेना है। तो इससे पहले मैं इसके ऊपर की छिलका को हटा देती हूँ। आप ऐसे टमाटर को थोड़ा सा कट लगा करके बॉईल कीजिएगा तो आपकी टमाटर के भी छिलका आसानी से निकल जाएगी। इसके साथ साथ डालना है 1 मीडियम साइज की लहसुन की कलियां, स्वाद के अनुसार नमक और 4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर डालेंगे। 2 हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा, मतलब 1/3 टीस्पून के करीब मैंने काली नमक डाला है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हमें इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर की तीखी चटनी बिल्कुल रेडी है। तो इसे मैं एक बाउल के अंदर निकल के रख देती हूँ और चलिए मोमोज की दूसरी बैच को भी निकल लेते हैं। और यहाँ पे हमारा मोमोज की दूसरी बैच भी अच्छे से स्टीम हो गई है। तो इसे भी मैं एक प्लेट के अंदर निकल लेती हूँ और गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से एक गर्मा गर्म मोमो को सर्विंग प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये चिकन मोमोज और टमाटर की तीखी वाली चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मामानिस किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।